जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें, उनकी जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उस पर एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन खड़ा करने के लिए वो कन्वेंशन ने प्रस्ताव पारित किया था। और वहाँ से एक पॉलिटिकल स्लोगन भी दिया गया था कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो उसको समझते हुए हमें दिल्ली एनसीआर रीजन में अपने अभियान को साधारण नागरिकों तक, मजदूरों, किसानों तक, छात्रों, महिलाओं तक अपने संदेश को लेके जाना है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। मैं हूं मुकुंदर। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीआईटीयू के हेडक्वार्टर में, बीटीआर भवन के बाहर, जहां पर 26 अक्टूबर को आज एक कन्वेंशन हुई है, जिस कन्वेंशन में दिल्ली और देश के जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच है वो, और उसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ज्वाइंट कन्वेंशन किया है, जिसके तहत ये लोग भविष्य में जो उनका कार्यक्रम था, जिसका घोषणा इन्होंने 24 अगस्त को ही की थी, जिसमें 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 दिवसीय महापड़ाव राज्यों की राजधानियों में करने का प्रस्ताव पास हुआ था, उसको कैसे करना है, उसकी तैयारी को लेके आज ये कन्वेंशन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी किसान और मजदूर संगठन शामिल हुए और उन्होंने भविष्य कार्यक्रम को लेकर चर्चा करी और भविष्य की घोषणा भी करी। 26 नवंबर जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन का, और उसी दिन जो ट्रेड यूनियनों के तहत में जो भारत का हड़ताल हुआ था, तो उसी का सालगिरह है। तो उसी दिन में से लेके 3 दिन का हर राज्य का राजधानी में महापड़ाव कर रहे हैं मजदूर और किसान मिलके। ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार में ये दोनों संघों का मंच जो है, जो प्रोड्यूसिंग क्लास जो हम बोल सकते हैं, किसान और मजदूर का अलग अलग मंच पूरे देश में पहले भी हुआ है, जो जन संगठनों का मंच, लेकिन ये किसान और मजदूर का जो दोनों बहुत बड़े मंच जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़े हैं वो एक साथ में आया है। अभी तक एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, वो एक साथ में आके एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं जनता को, पूरा अभियान के तहत मोबिलाइज करके। और क्योंकि ये अपने ही मुद्दे नहीं, पूरे जनता की मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई सब उठा के और आम जनता को लामबंद करके वो बड़ा पड़ाव कर रहे हैं, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार को, ये मोदी सरकार के खिलाफ है। पार्लियामेंट में विरोध चल रहा था अपोजिशन का, और उसमें से 8 MPs को सस्पेंड किया, उनको फिजिकली पुश करके बाहर फेंक दिया, और बाद में अपोजिशन वॉकआउट कर गई। तो विद इन 5 मिनट्स में हमारे ये सारे कोड अप्रूव हो गए, और जिसके ऊपर हमारे देश का जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने उसके ऊपर कमेंट किया कि इतने बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोकराज है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो हमारे ही हितों के लिए और हमारे खिलाफ़ जो बिल बना रही है, बिना बहस के 5 मिनट में देश के 54 करोड़ वर्कर के भविष्य का फैसला इस सरकार ने कर दिया। और उस पर इनके रूलिंग पार्टी के, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, सब ने मेजें थपथपाकर सरकार के इस प्रपोजल का बहुत ही स्वागत किया। हमारे कोई संपर्क में अपोजिशन के लीडर भी, हमने उनसे पूछा कि भाई आपने मजदूरों के खिलाफ ऐसा फैसला ले लिया, तो उन्होंने मेजोरिटी ऑफ दी रूलिंग पार्टी के MPs को भी मालूम नहीं है कि कौन सा प्रस्ताव पास कराया है, क्योंकि इन्होंने सर्कुलेट ही नहीं किया इन एडवांस में। देखिए, किसान मजदूर इस देश की उत्पादक शक्ति है, और इनकी एकता बड़ी आवश्यक है इन दोनों के ही हित में। तो पहले ट्रेड यूनियनों का मोर्चा था, किसानों का भी मोर्चा था, लेकिन ये जो प्रयास है इसकी ताकत बढ़ाने के मकसद से है, क्योंकि हमला किसानों के ऊपर भी है और मजदूर के ऊपर भी है। तो जो शोषित तबके हैं वो यदि एक हो जाएं, तो फिर मोदी सरकार के खिलाफ इकट्ठा होना, खड़े होना हमारे लिए मजबूती भी देगा और आसान भी रहेगा। 26, 27, 28 नवम्बर को पूरे देश में 3 दिन का पड़ाव होगा सरकार के नीतियों के खिलाफ। उस पड़ाव को दिल्ली में सक्सेस करने के लिए आज यहाँ BTR भवन में संयुक्त मोर्चा और दिल्ली के जो ट्रेड यूनियन हैं, उन सबों ने मिलकर आज यहाँ कन्वेंशन कर रहे हैं। और इसको कैसे कामयाब किया जाए, और देश से जो मजदूर विरोधी और जो जन विरोधी और किसान विरोधी जो सरकार चल रही है, और उसका हम खास तौर से तो BJP की सरकार क्या कहें, मोदी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने के लिए, पूरे आह्वान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि जो है 24 में वो दोबारा जीत के ना आ पाए, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। जो ये बागडोर संभालने वाले जो राजनीतिक ताकत है, कॉरपोरेट संप्रदाय परस्त जो
गठबंधन का जो राजनीतिक ताकत, इसको भी हमको शिकस्त देना है। और इसके लिए जरूरी है आम जनता के अंदर ये समझदारी ले जाना जो उसको असली दुश्मन कौन है, किसके लिए महंगाई है, किसके लिए बेरोजगारी है, किसके लिए और जो दूसरा जो परेशानी लोगों को हो रहा है, किसके लिए अब हिंदुस्तान 125 देशों का अंदर 111 नंबर में उतर गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के चलते, किसके लिए जो G20 हो गया, मोदी खुद अपना पीठ बहुत थपथपाया, लेकिन ये बात सामने नहीं ला रहा है जो ये 20 देशों का अंदर पर हेड रोजगार के हिसाब में हिंदुस्तान 20 नंबर में है।